एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जमा रही हूँ यहाँ पर दही। और एक डियर का कमेंट्स आ रहा था कि दी कहीं दही कैसे जमाते हो आप, वो भी दिखाना। तो जी देखिए, मैंने ना दूध गर्म कर लिया है और मैं ना सुबह ही जमाती हूँ दही। मैं ना रात को नहीं जमाती हूँ क्योंकि खट्टी हो जाती है। तो देखिए, मैंने ना इसको गर्म कर लिया, उबाल हुआ हुआ था ये दूध। तो बस मैंने ना इसको गुनगुना सा किया है, लेकिन ये ना फिर भी तेज़ हो गया था। तो उसको ना मैंने पंखे में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी चिया सीड भिगा दूंगी, तब तक का ये भी अच्छे से फूल जाएगी। आधा घंटा इसको भी लगता है। तो बस मैंने एक चम्मच इसमें डालकर इसको मैं भिगा कर रख दूंगी। और दही ना आप ना ही तो आपको ठंडे दूध में जामन लगाना है और ना ही ज़्यादा गर्म दूध में लगाना है। अगर ठंडे में लगा दोगे तो जमेगी नहीं, और अगर ज़्यादा तेज में लगा दोगे तो खट्टी हो जाएगी, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो बस इतना हो कि हम उसमें उंगली डालें ना और सहन कर सके, मतलब उंगली पे लगे कि हाँ हल्का सा गुनगुना है। तो बहुत से लोगों को आती होगी जमानी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आती होगी। और पहले ना मुझे भी नहीं आती थी, मतलब जमती नहीं थी। ये नहीं पता होता था कि कैसे दूध में जामन लगाना है, लेकिन अब बहुत अच्छे से जमानी आ गई है। तो देखिए, ये ना हल्का सा ठंडा हो गया था। तो बस मैंने इसमें एक डेढ़ चम्मच दही की डाल दी है और इसको ना मैं रख दूंगी अब 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे से पहले आपको दही को ना बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और फिर जाके आप उसको देखना, बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। और आजकल मौसम ठंडा है ना, तो मैं ना इसको चादर में ही लपेट के रखूंगी। एक सिस्टर का कॉमेंट्स आ रहा था कि डियर सर्दी में लपेट कर रखते हैं, गर्मी में नहीं रखते हैं। तो दी हमारे यहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है देहरादून में, तो लपेट कर ही रखनी पड़ती है, नहीं तो जमती नहीं है। तो बस मैंने इसको रख दी है और मैं शाम को दिखाऊंगी आपको कैसी जमी है, मतलब अभी मैंने जमाई है, फिर दिखाऊंगी 5-6 घंटे के बाद। तो जी देखिए, मैं ये बैग खाली कर लूँगी जो कि कल हम घूमने गए थे ना, तो बस इसमें से ना मैंने कपड़े निकाल लिए थे, गीले कपड़े, और बाकी सामान मैंने इसमें ही छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें पता है कहीं से आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। तो बस मैंने ना पूरा बैग खाली नहीं किया था, मैंने कहा चलो अब ये खाली कर लेती हूँ। मैं ना थोड़ा सा मेकअप का सामान लेकर गई थी, जैसे पानी वानी में नहाए थे ना, तो हल्का सा बिंदी सिंदूर करने के लिए, तो बस वो मैंने रख दिया है डब्बे में। और कानों के भी रख दिए हैं, मैंने चेंज किए थे ना कल, आर्टिफिशियल पहने थे, तो बस मैंने अपने गोल्ड के पहन लिए हैं अब। और ये चिया सीड मेरी फूल गई थी बहुत अच्छे से, तो बस मैं इसको भी पी लूँगी। और उसको पीने के बाद मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, जो कि मुझे आज ना बहुत मतलब हैवी वाली एक्सरसाइज करनी है और काफ़ी देर तक करनी है। आधा घंटा 40 मिनट में आज खूब अच्छे से एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि कल मैं बाहर गई थी और मैंने बाहर का भी खाया था। तो अगर आप भी बाहर शादी पार्टी में जाते हो ना, तो उससे अगले दिन आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज खूब अच्छे से करो। और हो सकता है तो आप डाइटिंग करो, मतलब वो साल्ट फ्री डे करो या इंटरमीटिंग फास्टिंग करो, तो आपका ना बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा। जो भी आपने कुछ भी खाया हो फिर ना आपका बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं किसी दिन कुछ हैवी खाती हूँ ना, तो मैं अगले दिन बहुत ही अपनी हैवी हल्की डाइट लेती हूँ, जिससे कि मेरा वेट ना बढ़े। और अगर आप अपनी लाइफ में ये करोगे ना हमेशा के लिए, तो आपका वजन कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो जी देखिए, आज ना मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है और सारी मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और एक ना डियर का कमेंट्स आ रहा था कि डियर आप ना आधे घंटे की एक्सरसाइज दिखाओ पूरी। तो डियर आधे घंटे की एक्सरसाइज दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मैं करती हूँ आधे घंटे ही हूँ। तो आप भी ना इसको आधे घंटे ही कर सकते हो, क्योंकि आधे घंटे की हम वीडियो बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, वो भी एक्सरसाइज की। तो जो भी मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ ना, आप ये सब एक्सरसाइज करो, 3-3 के सेट करो, 20-20 के 30-30 के 3-3 सेट करो ना, तो आपको ना आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। और मुझे भी इतना ही लग जाता है जब मैं सारी करती हूँ। और जी देखिए, काफ़ी हालत मेरी ख़राब हो गई थी, पंखा बंद करके ही जैसे कि एक्सरसाइज करनी होती है। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली है और यहाँ पर बना लिया है मैंने अपना जीरे वाला पानी, उसको मैंने पका लिया था, और आधा नींबू डालकर मैं इसको भी ले लूँगी। और आज ना मैं साल्ट फ्री डे करती, लेकिन फिर नहीं किया है, तो बस मैंने कहा चलो अब बाद में करूँगी, अगले दिन देखती हूँ मैं, अगले दिन करूँगी। तो जी देखिए, पानी मेरा गर्म ही है अभी, हल्का सा मैं गर्म ही पीती हूँ इसको, तो मैं इसको बैठ कर पी लूँगी। और मैं ना ये आजकल बस दो ही ड्रिंक ले रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले रही हूँ। तो जी मैंने ले लिया है नाश्ते में पपीता, ये पपीता खाऊँगी मैं सुबह के नाश्ते में। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि दी आप चिया सीड के कितने घंटे बाद नाश्ता करते हो? तो डियर, 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, चिया सीड के मतलब कोई सी भी ड्रिंक लो 1-1.5 घंटा तक का, उसके बाद ही कुछ भी लो आप। तो देखिए, बस मैं अपना नाश्ता कर लूँगी और मेरा काम सारा हो गया है। और हल्की सी ना धूप निकल आई थी, तो जो ये कपड़े थे ना वहाँ पे गीले हुए थे जब हम नहाए थे, तो बस मैंने कहा चलो इनको डाल देती हूँ। और आप लोगों को पहचान में आ रहा है मैंने कौन सा सूट पहना है, जो मैंने आपको दिखाया था ना जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी साड़ी में से, मैंने कहा ये मैं कुछ बनाऊँगी अपने लिए, बाद में दिखाऊँगी।
तो जी देखिए फाइनल मेरा सूट बन गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये देखिए जो मैंने साड़ी में से बनाया था ना, ये ही बनाया है। ये इसके नीचे प्लाजो बनाया है और ये नायरा कट कुर्ती बनाई है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताना कि कैसा लग रहा है साड़ी का। मैंने बेकार में ही वो तो नहीं कर दिया नाश, ये अच्छा लग रहा है। वैसे साड़ी ना पहनी नहीं जाती, जब से मैंने ये साड़ी ली थी ना, मुझे मैरून कलर की ये बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी टाइम की थी ये, लेकिन मैंने इसको एक से दो बार ही बांधी होगी। तो बस मैंने सोचा चलो इसका ना ये बना के देखती हूँ, मुझे बनाना भी आ जाएगा और अगर अच्छा लगा तो फिर मैं इसको अच्छे कपड़े से बनाऊंगी। वैसे अच्छा लग रहा है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो देखिए गाइज, ये ना मैंने रात में पुलाव बनाई थी तो बस खाई नहीं गई थी, बहुत सारी बज रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं ना कुछ नहीं बनाती हूँ और इसीलिए मैंने आज सेल्फी डे नहीं किया है, क्योंकि मैंने ना रात में पुलाव खाई नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत थोड़ी सी खाई थी। मैंने कहा चलो मैं कल खा लूँगी दिन में। तो बस मैं ना अब इसको ही गर्म कर रही हूँ और मैंने ना थोड़ा सा घी डाल लिया है कढ़ाई में, ताकि कढ़ाई में चिपके ना, और बस मैं ना इसको गर्म कर लूँगी। ये भी यही खा लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही बनवाई थी कि खूब अच्छी सी चटपटी सी पुलाव बनाओ, मतलब नमकीन चावल बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने बनाई थी इसको, जो कि अच्छे से बनाते हैं ना, अच्छे वाले चावल से और अच्छे वाले मतलब मसाले, तेल मसाले डाल के खूब अच्छी सी मैंने टेस्टी सी बनाई थी। तो बस मैं ना इसको ही गर्म कर लूँगी अब, और बस यही मैं खा लूँगी और यही ये खा लेंगे। और फिर भी ना बच गई थी ये, लेकिन अब नहीं खाएंगे, बस एक बार खा ली तो अब नहीं खाऊंगी। तो जी देखिए गरम कर लिया और इधर मैं काट लूँगी अपना खीरा, और ये तो पता नहीं कब आएंगे, तो बस मैं अपना खाना लगा लूँगी, क्योंकि भूख लग जाती है, सुबह कुछ नहीं खाती हूँ और ये ना बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो बस इनका वेट मैं करती रह जाती हूँ। आवाज़ तेज़ हो रही है, फ़ोन की आवाज़ कम करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने ले लिया है अपना दोपहर का लंच, चावल लिए हैं, बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी बनाई थी मैंने रात में, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी खाई थी बिल्कुल, क्योंकि शाम का टाइम था ना रात का और लेट भी हो गई थी, तो बस मैंने ना थोड़ी सी खाई थी। मैंने कहा मैं ना कल दिन में खा लूँगी। और खीरा लिया है और दही ली है, दही अभी ना जमी नहीं है तो ये ना रात की दही थी थोड़ी सी, तो बस मैंने वो ही ले ली है। तो जी चलिए मैं खाती हूँ, और मुझे ना हाथ से खाना अच्छा लगता है, मैं ना हाथ से ही खाती हूँ। और आपको भी ना चावल पता है कैसे खाने हैं, सैलेड को साथ में ले लेकर खाने हैं, और अगर आप ये खाओगे ना तो आप ये भी आ गए। बाहर गया वो, खुल गया, मैंने जैसे ही बाहर रखा, मैंने कहा चल थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ उसको, वो खुल गया पिंजरे में से एकदम। तो गाइस आपको भी ना सलाद जरूर खानी है चावल के साथ में, इससे ना आप अच्छे से चबा पाओगे इसको। तुम भी खाओगे अभी? इधर कोने में क्यों दिख रहा है तेरा चेहरा? फिर से में दिखता है। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है और देखा आपने ये भी आ गए थे, तो बस मैंने इनको भी खाना पीना दे दिया है, ये अपना खाना खा रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी देर घूम लेती हूँ, क्योंकि मैं ना खाना खाते ही बिल्कुल भी लेटती नहीं हूँ, मन तो बहुत ज़्यादा करता है कि लेट जाऊँ, आलस सा आ जाता है, लेकिन मैं ना घूम लेती हूँ थोड़ा सा, 15-20 मिनट में अंदर ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ, कुछ काम होता है वो भी कर लेती हूँ। तो बस मैं अंदर ही घूम रही थी, बाहर सब लोग बैठे थे, मैंने कहा चलो मैं ना अंदर ही घूम लेती हूँ। और जी ये बना ली है मैंने अपनी ग्रीन टी, खाना खाने के 1 घंटा बाद ग्रीन टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जी ये देख लीजिए दही कितनी अच्छी जमी है, जो मैंने सुबह जमाई थी ना, ये देखिए कितना अच्छे से एकदम सेट हो गई है, और तब की गाय के दूध की है, लेकिन फिर भी ना दही बहुत गाढ़ी जमी है। तो बस मैं ना इसको अब फ्रिज में रख दूँगी और अच्छे से सेट हो जाएगी ये। तो जी ग्रीन टी बना ली है मैंने और ये सो रहे हैं अंदर, बस मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी अभी ग्रीन टी लेने के बाद। मैंने कहा चलो पहले ग्रीन टी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर लेट जाते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है ग्रीन टी बनाने में। और ये देखिए दाने दाने, आप लोगों को लगता है मेरा फेस एकदम साफ़ है लेकिन कैमरे में नहीं दिखते, देखिए कितने दाने।
मतलब एक ठीक हो रहा है एक निकल जा रहा है। अभी भी इससे मैं यहाँ निकला था, यहाँ निकला था, तो अभी यहाँ काला निशान भी है, तो अभी यहाँ निकला था, ये भी सूख गया है पर थोड़ा निशान रह गया है। चले जाएंगे निशान मेरे ना, चले जाते हैं। तो जैसे ये ग्रीन टी पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम। तो जी देखिए लेटने ही जा रही थी ग्रीन टी पीकर और तब तक आंटी आ गई कि देख बाहर कौन आई है। मैंने कहा कौन आई है, तो देखे तो क्या भाई सब लोग बाहर बैठे थे, खरीद रहे थे सामान। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे मंगलसूत्र है, सब सामान था इनके पास में ना। उनको शौक नहीं है पहनने का, उन्हें शौक ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम भी ले लो। ये मैं काम करती हूँ ना, हाँ दिहाड़ी में काम करती हूँ 300 रुपए में। दीदी दिहाड़ी देते, अच्छी लग रही, जैसे सोने की पहन ली हो ना। अब यहाँ पर भी है ये देखो, एक पूरे दिन की 300। हाँ दीदी देख जरा, एक माला दो सुनते हैं जरा, कितने की है ये? कौन सी? ये वाली सही सही लगा। जब जाए जब ये ले, ये भी नीचे है मुझे काम के लिए। ठिकाना दीदी आ लीजिए। जन्माष्टमी में मेला लगता है, दशहरे का मेला लगता है, दशहरा रहते हैं, दिवाली का, दिवाली पे भी वो रहती है वहाँ पे, उसमें तो हर, और पैसे भी, वो पैसे भी मेले लगते रहते हैं वहाँ पे बीच बीच में। हाँ तो गाइज ये वाला मंगलसूत्र लिया है मैंने, 3 घंटे हो गए हैं बाहर बैठे बैठे ना, और अभी भी वो दीदी बैठी ही है। और ये ली है एक लिपस्टिक, ये मैंने अभी लगा के देखी है, मैंने कहा देखती हूँ कलर कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा है, एकदम लाइट है, एकदम लग नहीं रहा है, होठों पे लगा भी रखी है, सूख गई है। और बिंदी ली है और क्लेचर लिया है, सब सामान है उनके पास, कुछ भी ले लो चाहे। तो मेरे ना गले का वो हो रहा था थोड़ा सा ख़राब, मैंने कहा चलो मैं इसको ले लेती हूँ, ये वाला लिया है मैंने, अच्छा लग रहा है ना। चलिए पैसे दे देती हूँ, अभी ना पैसे भी नहीं दिए हैं मैंने उनको, मच्छरों ने खा लिया बाहर ना, इतने मच्छर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जी मैं करने लगी हूँ अपने शाम के खाने की तैयारी। जैसे कि मैं दीदी आई थी ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं, तो फिर भी उठकर आ गई थी। अच्छा लगता रहता है ना, सब लोगों ने बहुत सारा सामान लिया था, सामने वाली दीदी ने, आंटी ने, आंटी की लड़की आई हुई है, उन्होंने सब ने बहुत सारा सामान लिया था, तो बस मैंने भी लिया था थोड़ा सा। तो जी बस मैं बनाने लगी हूँ अपना खाना, और ये देखिए खाना बनकर हो गया है तैयार। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी ली है मैंने, दही ली है। तो जी मैं आ गई हूँ छत पे घूमने शाम के टाइम, जैसे कि मैं आती हूँ खाना खाने के बाद में। तो गाइस घूम के आ गई हूँ, और 15-20 मिनट ही मैं घूमती हूँ, बस नीचे आ जाती हूँ। और अभी रह गई है मेरी ग्रीन टी, तो मैं ग्रीन टी लूँगी। और ये देखिए ये वाली ना मैंने रिंग भी ली थी, काफ़ी अच्छी लग रही है, रिंग पहनने का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने ये वाली ली थी, और ये मेरी काफ़ी दिन की है। तो जी चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।